फ्रेंड्स, वेलकम टू यम्मी इंडियाज़ किचन। आज मैं आपसे बेसन ब्रेड टोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे एक कप बेसन, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, दो बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी। एक कप पानी को हमें स्लोली स्लोली बैटर में डालना है और हमें एक थिक बैटर तैयार करना है। बेसन का घोल तैयार है। अब हम मीडियम फ्लेम पर नॉनस्टिक पैन गरम करेंगे। उस पर डालेंगे एक छोटा चम्मच ऑयल और उसे तवा पे अच्छे से फैला देंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब हम ब्रेड को बैटर में डालेंगे। हम ब्रेड पे अच्छे से बैटर को लगा देंगे। अब हम इसे तवे पे रख देंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पकाना है। आप इसे फुल फ्लेम पे मत पकाइएगा। अगर हम इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारा ब्रेड जल जाएगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पे सुनहरा होने तक बेक करना है। 3 मिनट के बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप बटर भी यूज कर सकते हैं। फिर हम ब्रेड को पलट देंगे। इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करेंगे। अब हम इसे पलट के देखेंगे कि हमारा ब्रेड गोल्डन ब्राउन हो गया है कि नहीं। आप देख सकते हैं क्रिस्पी हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट पे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे ब्रेड्स को तवे पर गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करेंगे। क्रिस्पी बेसन ब्रेड टोस्ट तैयार है। इसे आप केचप के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप घर पर बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर लिखकर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक